सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज स्टूडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, कल लेनोवो के एट नोट लॉन्च हो गया है। मैं ये वीडियो को इसके ऊपर फर्स्ट थॉट इंप्रेशन या फिर वो सब कुछ नहीं बना रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों ने लेनोवो के एट नोट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू काइंड ऑफ स्टफ बहुत देख लिए होंगे चैनल के ऊपर, मतलब अलग अलग चैनल्स पे। तो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसे 5 रीजन जो आपको लगेगा कि हमारे लिए के एट नोट इज द बेस्ट फोन। सो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिलेस, लेट्स गेट जंप राइट इनटू इट। गाइस, स्टार्टिंग ऑफ, जैसे कि आपको पता ही होगा, कल लेनोवो के एट नोट लॉन्च हो ही गया है। सो गाइस, दो कलर में हमारा जो ये लेनोवो के एट नोट है लॉन्च हुआ है, दो कलर आ जाते हैं, एक तो मैट ब्लैक एंड गोल्ड। सो गाइस, मैट ब्लैक एंड गोल्ड कलर के अंदर ये फोन लॉन्च हुआ है। साथ ही साथ आपको मैथ के अंदर सबसे पहले स्पेसिफिकेशन वाइज बता देता हूँ, बाद में बात करूंगा मैं पहली चीजों के बारे में। सो गाइस, इसके अंदर आपको 5.5 इंच की फुल एचडी आईपीएस पैनल देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 13 मेगापिक्सल का लाइक रियल फेसिंग कैमरा है, उधर आपको ड्यूल कैमराज मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर 2 वेरियंट्स मिलेंगे, एक 32 GB का विथ 3 GB ऑफ रैम एंड एक 64 GB का विथ 4 GB ऑफ रैम। एंड गाइस, इसके अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। सो गाइस, अब मैंने आपको इसका ओवरऑल व्यू दे दिया है कि आपको क्या 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 मिलता है। अब मैं इसके अंदर अंडरहुड स्पेसिफिकेशन में नहीं जाऊंगा कि आपको इसके अंदर मीडियाटेक का हीलियोस प्रोसेसर है। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको पहली चीज जो है इसका प्राइस। सो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा अभी अमेजोन पे सेल स्टार्ट होने वाली है करीब करीब 7 दिनों के अंदर। तो गाइस, जो अमेजोन पे प्राइस जो कोटेड है वो है 12,999 rupees, जो कि 32 GB 3 GB रैम का प्राइस है। सो गाइस, इस प्राइस रेंज के अंदर अगर हम इसे कंपेयर करें रेडमी नोट 4 से कंपेयर कर सकते हैं, और हम शायद इसको अगर थोड़ा बहुत जो है मोटो G5 से भी कंपेयर कर सकते हैं। सो गाइस, रेडमी नोट 4 बहुत पॉपुलर फोन है, और साथ ही साथ मोटो G5 भी बहुत एक पॉपुलर फोन रहा हमारे इंडियन मार्केट के अंदर। बट गाइस, अब जैसे कि लेनोवो के एट नोट जो लॉन्च हो गया है, साथ ही साथ उसका जो प्राइस पॉइंट है वो बहुत अच्छा रखा गया है, मतलब देखा जाए और मतलब मिड रेंज फोन है वो, 10,000 से लेकर 15,000 के अंडर आता है। तो आपको वो फोन, अगर आप अपना एक नया फोन लेना चाहते हैं जो कि मिड रेंजर हो और आपको काम जो है आराम से कर दे और थोड़ा बड़ा भी हो, टेक्नोलॉजी भी अच्छी हो, हार्डवेयर वाइज अच्छा हो और वो सब, तो लेनोवो के एट नोट उस आपके सारे जो बॉक्स हैं टिक मार्क में फुल करता है। सो गाइस, इसके अंदर आपको सेकंड बात में बताना चाहता था कि आपको इसके अंदर बैटरी मिलेगी वो है 4000 mAh की। यस गाइस, 4000 mAh की। मैं ये नहीं कह रहा कि और किसी फोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी नहीं मिल सकती। गाइस, बहुत सारे फोन है जो आपको ऐसी बैटरी दे देंगे, इतनी सारी, इससे भी ज्यादा दे देंगे इसी रेंज के अंदर। बट गाइस, इसके अंदर क्या है, आपको इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है फीलिंग। जो लेनोवो लाइक यूआई था वो सारा हट गया है, अब इन्होंने स्टॉक एंड्रॉइड एक फील दिया है आपको इस लेनोवो के एट नोट के अंदर। तो जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है एंड ब्रॉडवेयर नहीं है फोन के अंदर, जो बैटरी ज्यादा खाती है वो सारी एप्स कम है आपके फोन के अंदर। तो आपकी जो बैटरी लाइफ है करीब करीब एक दिन बड़े प्यार से निकाल देगी अगर आप हैवी टास्क करते हैं जैसे गेमिंग, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड ऑल दैट। गाइस, सेकंड बात ये हो गई। अब मैं थर्ड बात करना गाइस, इसकी बिल्ड क्वालिटी। यस गाइस, बिल्ड क्वालिटी बहुत रगेड बिल्ड क्वालिटी है, और आपको लगेगा कि आपने कोई टैंक जैसा आदमी कुछ पकड़ा हुआ है। साथ साथ इस फोन के अंदर आपको वेट भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो गाइस, इसका जो वेट है वो है 180 grams। तो गाइस, जो फोन का वेट है एंड बल्किनेस है वो ठीक है, बट गाइस साथ साथ फोन जो है स्लिम भी है। एंड गाइस, उस तरह मैं बात करूँ कि अगर आपको फोन जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको ये भी नहीं लगेगा कि आपने कोई खाली खोखला फोन पकड़ा हुआ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। 180 ग्राम्स बहुत ज़्यादा वेट होता है गाइस फोन के लिए, और अगर इतना बड़ा फोन है तो उसके लिए एक 180 ग्राम्स तो होना एक नेसेसरी, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ अपने हाथ में होल्ड कर रखा है। ये तो कभी कभार ऐसे फोन भी होते हैं हल्के हल्के कि ऐसा लगता है कुछ पकड़ा ही नहीं है, तो ऐसे कभी भी गिर जाए। तो थोड़ा वेट हेफ्टियर फोन होना चाहिए, वही लेनोवो के एट नोट है। देन गाइस, मैं फोर्थ बात करता हूँ इसकी, लाइक पीछे के जो ड्यूअल कैमराज हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ड्यूअल कैमराज बहुत बेस्ट हैं और ये है वो है। मुझे पता है ऑनर 6X में भी थे ड्यूअल कैमराज एंड ऑल दैट, बट गाइस क्या होता है, ऑनर ने भी अपने 6S के साथ दो हमारे को ड्यूअल कैमरास का वो दिया था कॉम्बो, जो इतना खास कारगर नहीं हो रहा था। साथ ही साथ ये सब जितनी भी कंपनी है ज़्यादातर आईफोन 7 या फिर लाइक उन सबको कॉपी करना चाह रही हैं। बट गाइस क्या होता है कि आईफोन 7 की जो बोके हैं लाइक लेंसेज हैं वो गाइस बहुत ही क्रिस्प क्वालिटी देती है। आप जब आप उसे क्लिक करते हैं लाइक जो पोर्ट्रेट शॉट्स अगर आईफोन 7 से क्लिक करते हैं आप आईफोन 7 प्लस, सो गाइस जो वाटर शॉट होता है अगर आप उससे कंपेयर करें तो वो बिल्कुल नहीं आपको मिलेगा। बट गाइस आपको एक मैं ये कहूँगा कि हाँ थोड़ा बहुत ऐसा फील मिल जाएगा कि आपके पास ड्यूअल कैमरा का सपोर्ट है, आप थोड़ा मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, सारे फोनों के अंदर आजकल ड्यूअल कैमराज आ रहे हैं बैक की साइड में, तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई मैंने अपना पैसा पे करा है तो वहाँ पे ड्यूअल कैमरा देखने को मिल जाता है। भाई गाइस मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत गिमिक ही है, इतना कोई खास आपको बोके इफेक्ट या फिर लाइक वाइड एंगल शॉट ऐसा तो कुछ ऐसा देखने को वहाँ पे नहीं मिलेगा। बट गाइस फोर्थ ये है कि आपको 2017 के अंदर आपको कोप अप रहेंगे कि आपके पास भी एक फोन है जिसके अंदर ड्यूअल कैमरा का सपोर्ट है, बिकॉज गाइस आजकल ज्यादातर जितने फोन आने वाले हैं 2017 के अंदर लेटर ऑन सबके अंदर ड्यूअल कैमरा सपोर्ट होने वाला है। तो गाइस मैं लास्ट और फिफ्थ बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपको ये फोन लेना चाहिए वो है इसकी, लाइक मैं ये नहीं बोलूंगा गाइस इसके अंदर CPU आपको मिल रहा है मीडियाटेक का हीलियो 10 core प्रोसेसर वो सब नहीं गाइस। ये है कि नई चीज पता नहीं क्यों उन्होंने लगा दी मीडियाटेक की,
आई डोंट नो, इन्होंने स्नैपड्रैगन 625 या वो सब भी लगा सकते थे, बट पता नहीं क्यों नहीं लगाया। बट यही है कि जो हीलियो प्रोसेसर है, मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत शायद अच्छा हो सकता है। बाकी गाइस पता नहीं क्यों उन्होंने नई ऑफरिंग अपनी फ़ोन के अंदर पुट करी, और क्या पता वो कचरा हो जाए, तो उससे हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी गाइस अभी तो यही है, होप कि ये जो प्रोसेसर है थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। बैटरी लाइफ की मेरे को थोड़ी दिक्कत लग रही है यहाँ पे, फिफ्थ जो मैं पार्ट बता रहा हूँ कि आपको बैटरी लाइफ के अंदर जो 10 कोर का प्रोसेसर है 20 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, क्या पता कैसा होगा बैटरी परफॉर्मेंस में, ऑप्टिमाइजेशन में, वो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। सो गाइस यही थी 5 ऐसी चीज़ें जो मुझे लगती है मेरे को आप लोगों को बतानी थी कि आपको एक K8 नोट लेना चाहिए। बट गाइस मैं आगे अगर आप चाहते हैं तो वीडियो बनाऊँ कि K8 नोट वर्सेस मोटो G5, तो मैं वो भी बना दूंगा। सो गाइस फाइनल दी मोमेंट हैज कम फॉर दी नोटिफिकेशन शॉर्ट आउट। सो द नोटिफिकेशन शॉर्ट आउट गोज टू FT विशर। सो गाइस अगर आप चाहते हैं ऐसी नोटिफिकेशन शॉर्ट आउट पाना, तो आप सिंपली मेरे कमेंट सेक्शन में #notificationscott+#family लिखेंगे, और जो सबसे पहले कमेंट लाइक करेगा, सबसे पहले जो इसने मेरी बेल आइकन दबा रखी होगी, और जो सबसे पहले कमेंट करेगा ये लिख के, उसको मेरी अगली सीख ऐसी वीडियो के अंदर नोटिफिकेशन शॉर्ट आउट मिल जाएगी। एंड गाइस मैंने एम करा है 5000 सब्सक्राइबर्स इन 2017। सो गाइस प्लीज आप लोग सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, एंड मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो के अंदर। टिल द टाइम रेस्ट गाइस।